ए झटू, ये खाली टिफिन है, इनको भी पैक कर दे यार, 100 टिफिन देने जाना है। आगे से आपको टाइम पे टिफिन मिलेगा। वो क्या है, एक नया नया लड़का रखा हुआ है, थोड़ा अभी वो समझता कम है, इसलिए सॉरी है। आगे से आपको टिफिन टाइम पे मिलेगा, नो टेंशन। ये क्या हो रहा, कस्टमर के 10 फोन आ चुके, तू टिफिन डिलीवरी करने जाता है कि मस्ती करने जाता है? मेरा पहले 3 लाख रुपए का धंधा था, जो घट के 2 लाख रुपए पे आ गया, सब तेरे कारण। अरे हाँ ठीक है ना यार, तू पैक करना। हेलो, हाँ हाँ ठीक है भाई साहब, ओके ओके ओके। हाँ बोलिए। नमस्कार, आप अभी थोड़ी देर पहले कुछ टिफिन की बात कर रहे थे, आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं क्या है वो? अरे भाई टिफिन का क्या फंडा है यार, जो लोग घर से जल्दी निकल जाते हैं या वो लोग जो बाहर से आके यहाँ काम करते हैं पर अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ऐसे लोगों को हम टिफिन प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत चीप रेट में। अच्छा, मतलब एक टिफिन कितने का देते हैं? 60 रुपये, वो भी ऑन स्पॉट जहाँ वर्क कर रहे हो। 60 रुपये और एक दिन में आप कितनी जगह टिफिन दे देते हैं? देखो वेयर हाउस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पेट्रोल पंप है, जो भी जहाँ जॉब करता है, तकरीबन 200-250 टिफिन पर डे। आपको भी टिफिन लगाना है क्या? हाँ, और आपको भी टिफिन लगवाना है क्या? सेम टू यू। क्या मतलब? मेरा मतलब मैं बताता हूँ अंकल, ठीक है? चल 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 सर, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? देखो वो टिफिन वाला बंदा आ गया क्या? हाँ आ गया, आ गया आ गया। हाँ आ गया। फॉलो। क्या कर रहे हो? अरे तू चल तो। सब बढ़िया चल रहा है। पर क्या? अरे तू अब देख तेरा बेटा क्या क्या करता है। अरे सुन तो। दीपक एक काम कर, एड्रेस लिख। एड्रेस लिख। ठीक है सर, लिख लिया। हाँ दीपक। हाँ, इसको मिला के टोटल कितनी जगह होगी? सर इसको मिला के टोटल 100 जगह हो गई। 100 जगह हो गई। हाँ कल से हमें कोई टिफिन नहीं चाहिए, समझा? अरे पर साहब हुआ क्या? अरे होगा क्या, डेली की तरह आज भी आपका टिफिन लेट हो गया। 2 बजे का टाइम था यार, 3 बज चुके, साला आदमी की भूख मर जाती है यार, कैसी सर्विस दे तो आप? वो आपकी तरफ थोड़ा ट्रैफिक का मसला है, लेकिन मैं बालक को कल से 30 मिनट पहले ही भेज दूंगा,
लास्ट टाइम मौका दीजिए साहब। लास्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम, अगर आज के बाद आपका टिफिन लेट हुआ उस दिन आपको टिफिन के पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है साहब। आ गए राजा जी। कमेन। सागर बुक टिफिन सेंटर से। ये हमारे यहाँ पर ऑन टाइम सर्विस, महीने में 2 टिफिन फ्री। टाइम पर अगर खाना नहीं पहुँचा तो उस दिन भी टिफिन फ्री। यू विल गेट डिफरेंट फूड एवरी डे। खाना पसंद नहीं आए तो टिफिन वापस, एक टिफिन मात्र 40 रुपये। कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। खा कर देखिए। आपके यहाँ से आए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, खाने में टेस्ट हमको ऐसे ही चाहिए। ठीक है सर, कल से 50 टिफिन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। जी, ऑर्डर बुक कर। जी सर, थैंक यू सर, चलते हैं। ओके। Thank you.
पर मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हम इतना सब कुछ कर लेंगे। लगता है हम बहुत आगे जाएंगे सर। चलो आज का टारगेट तो पूरा हुआ, अब कल की तैयारी करते हैं। यार आज का टारगेट खत्म नहीं हुआ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि यार हम उन लोगों को खाना देते हैं जो हमें पैसा देता है, लेकिन भूख तो उन्हें भी लग रही है ना यार, जो हमें पैसा नहीं दे सकते, जो एक वक्त के खाने के लिए भी दर बदर भटकते हैं। दे सके जो हमें पैसा नहीं दे सकते। गरीबी के इस भूख को हर तरीके से मिटाएंगे, फिर वो चाहे रहने के लिए घर हो, पहनने के लिए कपड़े हो, या पढ़ने के लिए स्कूल, ये करने के लिए कुछ काम। इसका मतलब अभी हमारी कहानी पूरी नहीं हुई? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अब शुरू हुई है। इसका मतलब हमें बुक पार्ट 4 निकालना पड़ेगा।